15 दिसंबर को जब सूर्य वृश्चिक राशि की यात्रा समाप्त करके धनु राशि में लंगर डालेंगे, तब खर मास शुरू होगा। सूर्य वृश्चिक राशि से धनु राशि में प्रवेश करेंगे। इस राशि परिवर्तन को धनु संक्रांति के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद सूर्य मकर राशि में आते हैं, जिसे मकर संक्रांति कहते हैं। विशेष बात यह है कि देव गुरु बृहस्पति की राशि धनु या मीन में जब सूर्य चरण रखते हैं, तो वह कालखंड सृष्टि के लिए विनाश लाता है। ये काल बहुत भारी होता है और प्राणियों को बेचैन कर देता है। ये वक्त जीव और जीवन के लिए उत्तम नहीं माना जाता। खरमास में सारे शुभ कार्य वर्जित रहते हैं, क्योंकि धनु बृहस्पति की आग्नेय राशि है और इसमें सूर्य का प्रवेश विचित्र, अप्रिय और अप्रत्याशित परिणाम की स्थिति बनाता है। इससे जगत के सभी प्राणियों की आंतरिक स्थिरता खत्म हो जाती है और चंचलता घेर लेती है। ये काल जीवों के भीतर नकारात्मकता भरता है। इसमें दैहिक और मानसिक विकार बढ़ने लगता है। जब सूर्य 12 राशियों का भ्रमण करते हुए बृहस्पति की राशियां धनु और मीन में प्रवेश करता है, तो उसके अगले एक माह तक खरमास लग जाता है। इन 30 दिनों की अवधि में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता। खास करके इस दौरान विवाह संस्कार जैसे शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। इसके साथ ही गृह प्रवेश, नए बिजनेस की शुरुआत या कोई भी नई चीज खरीदना वर्जित है। पौराणिक कथा के अनुसार सूर्य देव की गति खरमास के दौरान धीमी पड़ने लगती है। खरमास को सौर मास भी कहा जाता है। खरमास में भले ही शुभ कार्य वर्जित हो, लेकिन इस काल में धार्मिक यात्रा करना श्रेष्ठ माना गया है। इस दौरान सूर्य देव की पूजा करने से लाभ प्राप्त होता है। खरमास काल में पवित्र नदी में स्नान करने से कई रोगों से मुक्ति मिलती है। इसके साथ ही खरमास में पड़ने वाली एकादशी के दिन व्रत रखने से पापों से मुक्ति मिल जाती है। धनु राशि की यात्रा और पौष मास के संयोग से बृहस्पति के स्वभाव में अजीब सी उग्रता के कारण खरमास नकारात्मक कर्मों को प्रोत्साहित करता है, इसलिए इसे दुष्ट माह भी कहते हैं। बृहस्पति के आचरण में उग्रता, अस्थिरता, क्रूरता और निकृष्टता की वजह से खरमास में शादी विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन, नामकरण आदि मांगलिक कार्य अमांगलिक सिद्ध हो सकते हैं, इसलिए शास्त्रों ने खरमास में इन कार्यों को नहीं किया जाता है। इसके साथ ही आपको बता दें कि ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक सूर्य 7 ग्रहों के दुष्प्रभावों को नष्ट करने में सक्षम है। सूर्य दक्षिणायन होने के आंतरिक बल में कमी परिलक्षित होती है। खरमास में झमेलों का सूत्रपात होता है, लेकिन जैसे ही सूर्य उत्तरायण होते हैं, तब समस्त ग्रहों के तमाम दोषों का उन्मूलन कर देते हैं। इसलिए दैविक, दैहिक और भौतिक कष्टों से निराकरण के लिए दिनकर की उपासना असरदार मानी गई है। खरमास में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप जरूर करना चाहिए। इस काल में पीपल का पूजन भी करना चाहिए। जिन लोगों को किसी प्रकार की बाधा का सामना करना पड़ रहा है, उन्हें खरमास की 9वीं तिथि को कन्याओं को भोजन करवाकर उपहार देना चाहिए।